पुरवैया ब्रेकिंग में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संदली। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। बीजेपी सांसद अश्विनी चौबे ने कहा है कि बिहार की जनता इस बार नीतीश कुमार को तड़ी पार कर पाकिस्तान भेज देगी। दरभंगा में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन एक सभा को संबोधित करते हुए अश्विनी चौबे ने यह कहा कि मोदी की सुनामी में महागठबंधन के लोग बंगाल की खाड़ी में समा जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग पांचवें चरण की वोटिंग पर खास नजर रखने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि पांचवें चरण में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी वोटिंग करेंगे। तो आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर, जहां एक विवादित बयान दे डाला है अश्विनी चौबे ने। अश्विनी चौबे ने कहा है कि बिहार की जनता इस बार नीतीश कुमार को तड़ी पार कर पाकिस्तान भेज देगी। उन्होंने कहा कि दरभंगा में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन एक सभा को संबोधित कर रहे थे अश्विनी चौबे, और उन्होंने कहा कि मोदी की सुनामी में महागठबंधन के लोग बंगाल की खाड़ी में समा जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग से पांचवें चरण की वोटिंग पर खास नजर रखने की भी मांग की। पाकिस्तान में उन्होंने अपना जनता दल यू के नीतीश जी ने पाकिस्तान से अपना उन्होंने इंटरव्यू कराया है, अपना विज्ञापन दिया है, तो उनको अब यहाँ की जनता पाकिस्तान तड़े पार करेगी। वाले इस चुनाव में बांग्लादेश के लोग व्यापक पैमाने पर लालू जी और नीतीश जी ने बांग्लादेशियों को शरणार्थी बना दिया था बिहार को, कि मिथिलांचल का भी कुछ बॉर्डर एरिया, ये बॉर्डर एरिया अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण है, और मुझे ये लग रहा है कि इस क्षेत्र में बांग्लादेशी बड़े पैमाने पर जाली मतदान करेंगे, और इसके लिए चुनाव आयोग को सतर्कता अपनानी होगी। इधर जेडीयू के प्रवक्ता अजय आलोक ने अश्विनी चौबे को पागल करार दे डाला। अश्विनी चौबे के बारे में क्या कहेंगे? पागल है वो, अलग पागल है वो, तो पूरे के पूरे पागल है। उनका कहना है कि बिहार की जनता नीतीश लाल वो ऐसे पागल हैं कि जो हरिद्वार भी जाते हैं अपने साथ में सबको मार देते हैं, खुद बच के आ जाते हैं। क्या कीजिएगा इन लोगों का, इनको कुछ नहीं हो सकता है। ये लोग समाज अश्विनी चौबे के बारे में क्या कहेंगे? पागल है वो, अलग पागल है वो, तो पूरे के पूरे पागल है। उनका कहना है कि बिहार की जनता नीतीश लाल वो ऐसे पागल हैं कि जो हरिद्वार भी जाते हैं अपने साथ में सबको मार देते हैं, खुद बच के आ जाते हैं। वही कांग्रेस नेता प्रेमचंद ने कहा है कि बीजेपी चुनाव हार रही है और इसी हताशा में बीजेपी नेता अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि 8 नवंबर को रिजल्ट आने के बाद बीजेपी के कई नेता अस्पताल में नजर आएंगे। कहीं न कहीं इनका मेंटल बैलेंस गड़बड़ हो रहा है और कई बार अनाप शनाप बयान देते रहे हैं। इनकी ख्याति रही है कि सुर्खियां पाने के लिए कुछ ऐसा उठपटांग बोलो ताकि हम मीडिया में खबर बने। इस तरह के बयान को कोई नोटिस लेने की आवश्यकता नहीं। मैंने कहा ना, पूरी भारतीय जनता पार्टी परेशान है बिहार को लेकर, उनको बिहार में अपेक्षित सफलता नहीं मिल पा रही है। तो राष्ट्रीय नेता हो या उनके प्रदेश के नेता हो, ये तमाम फ्रस्ट्रेशन में ऐसी बातें कर रहे हैं। आप देखेंगे 8 तारीख को मतगणना के दिन आते आते ये लोग कई ऐसे होंगे जो बीमार हो जाएंगे, या इन्हें अस्पताल में भर्ती करना होगा, या इनकी मानसिक स्थिति इतनी खराब होगी कि इनके इलाज की जरूरत पड़ जाएगी। इधर बीजेपी के नए विज्ञापन पर बवाल मच गया है। गाय पर विज्ञापन के जरिए बीजेपी का नीतीश पर सवाल है कि विज्ञापन में लालू प्रसाद और रघुवंश प्रसाद सिंह के बयान का जिक्र नहीं किया गया है। विज्ञापन में कर्नाटक के सीएम का भी बयान है। वोट बैंक की खातिर नीतीश पर चुप्पी साधने का भी आरोप लगाया गया है। तो आपको बता दें कि बीजेपी के नए विज्ञापन पर अब बवाल मच गया है। गाय पर विज्ञापन के जरिए बीजेपी का नीतीश से सवाल है कि विज्ञापन में लालू प्रसाद रघुवंश प्रसाद सिंह के बयान का उसमें जिक्र किया गया नहीं है, और विज्ञापन में कर्नाटक के सीएम का भी बयान है। वोट बैंक की खातिर नीतीश पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया गया है। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी भी जारी है। आपको बता दें कि जो विज्ञापन है, बीजेपी के नए विज्ञापन पर एक बार फिर से बवाल मच गया है। बीजेपी के इस विज्ञापन पर जेडीयू ने कड़ा एतराज जताया है। पार्टी के प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा है कि वो इस विज्ञापन को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे और जरूरी हुआ तो इस मसले पर राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे। चुनाव आयोग की ढील का नतीजा है कि बिहार भाजपा चुनाव को धार्मिक बनाने पर लगी हुई है। समाचार पत्रों में गाय के साथ दिए गए विज्ञापन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का खुला उल्लंघन है, और आप धर्म को वोट के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते,
आपकी पार्टी की मान्यता भी समाप्त हो सकती है। हम पुनः आज चुनाव आयोग में भी अप्रोच करेंगे और महामहिम राष्ट्रपति के यहाँ भी अप्रोच करेंगे। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो इस वक्त आ रही है अररिया से, जहां वाहन चेकिंग के दौरान 2 लाख रुपए कैश बरामद किए गए हैं। जिस गाड़ी में कैश मिला है वो गाड़ी आरजेडी प्रत्याशी अनिल यादव के भाई की बताई जा रही है। अनिल यादव नरपतगंज से आरजेडी के प्रत्याशी हैं और आपको बता दें कि अररिया में कल ही मतदान भी होना है, तो अररिया में कल मतदान होना है और आज वाहन चेकिंग के दौरान 2 लाख रुपए कैश बरामद कर लिए गए हैं। आपको बताएं जिस गाड़ी में कैश मिला है वो गाड़ी आरजेडी प्रत्याशी अनिल यादव के भाई की बताई जा रही है। आपको बता दें कि अनिल यादव नरपतगंज से आरजेडी के प्रत्याशी और इन्हीं की गाड़ी से बताया जा रहा है कि 2 लाख रुपए का कैश बरामद किया गया है। वाहन चेकिंग के दौरान ये कैश बरामद किया गया है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको अररिया से बता रहे हैं। तो अररिया में वाहन चेकिंग के दौरान 2 लाख रुपए कैश बरामद कर लिए गए हैं। जिस गाड़ी में कैश मिला है वो गाड़ी आरजेडी प्रत्याशी अनिल यादव के भाई की बताई जा रही है। आपको बता दें कि अनिल यादव नरपतगंज से आरजेडी के प्रत्याशी हैं और अररिया में कल मतदान भी होना है, ऐसे में आज वाहन चेकिंग के दौरान 2 लाख रुपए कैश बरामद कर लिए गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रवि हमारे साथ जुड़े हैं। जी रवि, अररिया में वाहन चेकिंग के दौरान 2 लाख रुपए कैश बरामद किए गए हैं, कल मतदान भी होना है अररिया में, क्या कुछ कहेंगे? मैं बताऊं कि लगातार अररिया में रुपए बरामद होने का सिलसिला जारी है। कल और आज से मिला के अभी तक 10.5 लाख रुपए जब्त किए हैं, जबकि कल मतदान होने हैं। इसको लेकर पुलिस जांच करेगी, जिसके दौरान जो है 10.5 लाख रुपए बरामद हुए हैं। जी रवि, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो अररिया से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां वाहन चेकिंग के दौरान 2 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। आरजेडी प्रत्याशी हैं जिनके भाई की गाड़ी से ये पैसे बरामद किए गए। इधर किशनगंज में चुनाव आयोग के निर्देश के उल्लंघन का मामला सामने आया है, जहां होटल चंचल प्लेस में बने एआईएमआईएम के दफ्तर में हैदराबाद से आए पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ता जमा हुए हैं। जबकि जिला निर्वाचन पदाधिकारी का निर्देश था कि चुनाव प्रचार थमने के बाद दूसरे राज्यों या दूसरे जिले के राजनीतिक कार्यकर्ता यहां नहीं रुक सकते, लेकिन एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं ने जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश को ठेंगा दिखा दिया। इधर होटल में एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं के ठहरने की खबर पर पुलिस ने छापा तो मारा, लेकिन कोई कार्रवाई करने की बजाय खाना पूर्ति कर छोड़ दिया। ऐसे में निष्पक्ष चुनाव पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। इस बारे में एएसपी सवालों से बचते नजर आए। यहाँ जो देखा गया कि अभी ओबीसी का जो एआईएमएम का जो है कुछ नेता हैदराबाद से जो है रुके हुए हैं, और इन लोगों का कहना है कि हम लोग सुबह जाएंगे, जबकि जो निर्वाचन आयोग का निर्देश है कि 3 तारीख को जो है 5 बजे जो कंपेनिंग का जो है बंद है, कंपेनिंग बंद हो जाना चाहिए, उसके बाद इन लोगों को जो है जिला छोड़ देना चाहिए, लेकिन अभी तक इन लोग जो है जमे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। बिहार विधानसभा के 5वें और आखिरी चरण के चुनाव का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। ऐसे में जहां सियासी दल और राजनेता अधिक से अधिक वोट बटोरने की हर संभव कोशिश में जुटे हुए हैं, वहीं चुनाव आयोग और प्रशासन शांतिपूर्ण मतदान कराने की कोशिश में जुटा है, खासकर वैसे इलाकों में जो नेपाल या बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते हैं। सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं वहां पर। हम आपको 4 अलग अलग जगहों की तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर है किशनगंज की। चुनाव को देखते हुए यहां नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी के जवानों ने अपनी गश्ती तेज कर रखी है। नेपाल से भारत आने वाले सभी लोगों और वाहनों की सघन तलाशी ली जा रही है। वहीं दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे अररिया की है। यहां चुनाव को लेकर प्रशासनिक और सुरक्षा अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जिसमें डीएम एसपी और सीआरपीएफ के आईजी के साथ साथ पारा मिलिट्री फोर्स के अधिकारियों ने भी भाग लिया है। वहीं तीसरी तस्वीर है मधुबनी की। यहां भी नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी के जवानों ने अपनी गश्ती तेज कर दी है। यहां चुनाव के दौरान बॉर्डर की निगरानी के लिए एसएसबी के 2 बटालियनों को भी तैनात किया गया है। वहीं चौथी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सहरसा की। यहां भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कोसी दियारा के महिषी विधानसभा क्षेत्र में नाव से गश्ती की जा रही है। इसके साथ ही पारा मिलिट्री फोर्स के जवान दियारा के चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए। हमने दोनों कमांडर साहब जो है एसएसबी के, उनको लिखित दिया है और उनसे वार्ता भी हुई है, एंड वार्ता के क्रम में उन्होंने एश्योर किया है कि हमारे आदमी जो नेपाल के सीमा पर
यहाँ रहेंगे और उधर से ऑल डे के दिन विशेषकर किसी को भी आने नहीं दिया जाएगा। आगे जगहों पे नाटेबंदी भी नाटा चेकपोस्ट भी लगाया जाएगा चूंकि और उस दिन सभी कार्यालय सभी प्राइवेट सरकारी सभी प्रकार के कार्य जहां पे लोग कार्य करते हैं वो सभी कार्यालय भी बंद रहेंगे ताकि सभी लोग अपने मतदान का उपयोग कर सकें। इसके लिए अलग से अधिसूचना राज्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा जारी की गई है और वो सभी को बंद किया जाए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पांचवें चरण के मतदान का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। पांचवें चरण के मतदान में महज 24 घंटे ही बचे हैं। गुरुवार को पांचवें चरण में 9 जिलों की 57 सीटों के लिए वोटिंग होगी। पांचवें चरण में मिथिलांचल के मधुबनी और दरभंगा, कोसी के सुपौल, मधेपुरा और सहरसा और सीमांचल के अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में वोटिंग होगी। इस चरण में जो 57 सीटें हैं उसमें से 8 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 1 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। इस चरण में महिषी और सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा जबकि 55 विधानसभा क्षेत्रों में शाम 5 बजे तक मतदान होगा। आखिरी चरण में कोसी, सीमांचल और मिथिलांचल की 57 सीटों पर मतदान होना है। ये तीनों क्षेत्र सियासी तौर पर बहुत अहम है। खासतौर पर सीमांचल की 24 सीटों पर इस बार के चुनाव में सभी की नजरें टिकी हुई हैं। क्या है यहां का समीकरण, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में।